नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। खबर महोगंज से है, जहां के अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में महोगंज पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष का संघ के पदाधिकारियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला सत्र न्यायाधीश कपिल नारायण भारद्वाज, क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा संतोष सिंह सिसोदिया मौजूद रही। वही कार्यक्रम में माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिवक्ता संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। आइए सुनते हैं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपने उद्बोधन के दौरान क्या कहा। आज अधिवक्ता संघ महोगंज की हमारी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर हम सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष परम सम्मानी गिरीश गौतम जी हम सबके अधिवक्ता संघ महोगंज के कोषाध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक वस्तुत अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति अधिवक्ता संघ के संविधान और विधि के अनुसार कार्य आने के बाद जब गाड़ी से आते थे तो दो बातें होती थी। एक तो ये होता था कि शाम को हर हालत में कमर में हल्दी प्याज का लेप लगाना पड़ता और दूसरा इस बात की गारंटी रहती थी कि दूसरे दिन गाड़ी का टायर बदलना पड़ेगा। तो गाड़ी भी गड़ा